रविवार के दिन दमोह जिले में दो अलग अलग दुर्घटना घटित हुई। पहली घटना जिले के सलैया के पास घटित हुई, जिसमें मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 20 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मजदूरों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। यह घटना हिंगोलिया थाने के अंतर्गत घटित हुई। ग्राम पंचायत में सीसी सड़क निर्माण के लिए बसान टोला से भजिया के लिए मजदूर लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से मजदूर घायल हुए, जिन्हें शासकीय एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। दूसरी घटना हटा पटेरा रोड पर बमुरिया के पुल के पास घटित हुई, जिसमें मारुति वैन और मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे 108 वाहन की मदद से पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। 30 वर्षीय रामेश्वर पिता रघुवर रजक और 10 वर्षीय शिवम पिता रामेश्वर रजक राम बरखेड़ा से अपने गांव के लिए जा रहे थे, जिनकी मोटरसाइकिल को वैन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मारुति वैन चालक को पकड़ लिया है। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।